पहले 2 मिनट की शांति हमारे गोजो के लिए, जो अब हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में। जो हमें ये दर्द देखने को मिला है, सिर्फ ही जीजू काइसन फैन ही समझ सकते हैं। वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर सतारो गोजो अब हमारे साथ नहीं है, और इसका सिर्फ श्रेय हमारे राइटर को जाता है। इस बंदे ने पिछले पास में भी बहुत बार बोल रखा है कि मुझे सतारो गोजो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेसिकली आप ये ट्वीट देखो, या फिर ये देखो, या फिर ये देखो, इन ट्वीटों में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कुछ चीज़ यहाँ पे सही नहीं है। राइटर की एक पर्सनल दुश्मनी है सतारो गोजो से, और उस दुश्मनी को निभाने के लिए सुकुना वर्सेस गोजो के अंदर हमारा, मैं को कैसे बोलूँ, मेरे को बोलने में भी इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही है। अब गोजो हमारे साथ नहीं है, बस मैं इतना ही बोल पाऊंगा। पता है, जब मैंने ना ये फोटो देखी थी तो मेरी ना आंखें भर आई थी। मतलब हाउ दिस इज पॉसिबल, मेरा गोजो अब हमारे साथ नहीं है। अब जैसे कि हमारे राइटर के कमेंट में देखने को मिला है, इसके पास कोई पर्सनैलिटी नहीं है। जिसके पास पर्सनैलिटी नहीं होती, लोग उसको कभी भी पूछेंगे नहीं। पूछने के बाद लोग उसको अच्छा करेक्टर मानेंगे नहीं। गोजो एक फैन फेवरेट करेक्टर है। गोजो ने जीशु काशन के अंदर क्या नहीं सेक्रीफाइस करा, अपना आधा अधूरा प्यार, अपना इकलौता दोस्त, अपना परिवार, बचपन में अपनी माँ को खो दिया अपनी पावर की वजह से, अपने क्लैन से दूर रहा, और जब उसको एक बेस्ट फ्रेंड मिला तो वो खुद डिप्रेशन में आके वो खुद ईवल बन गया, जिसकी बॉडी पोजेस करने के लिए केंजुकु ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा के उसकी बॉडी पोजेस कर ली। और जो अभी हमें एनिमे को देखने को मिल रहा है, गोजो को ये भी नहीं पता कि गेटो की बॉडी केंजुकु ने पोजेस कर रखी है। कितना गलत हुआ है। और राइटर बोलता है इसके पास पर्सनैलिटी नहीं। बंदे का अगर पर्सनैलिटी नहीं होती, इतनी ज़्यादा ट्रोमा के बाद में भी वो इतने अच्छे काम नहीं करता, इतने हेल्दी माइंड के साथ अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता, उनके बारे में नहीं सोचता, क्या करूँ मैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये निकल के कहाँ से आई और चीज़ें क्या हो रही है, मैं सब कुछ इस वीडियो में धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। और पहले जब हम बात करते हैं, हमें ये ट्रेजिक फोटो देखने को मिल रही है जहाँ पे हमारा गोजो 2 पार्टों में कटा हुआ है। ये फोटो एक लीक फोटो है मांगा से। जो ये मांगा निकल के आ रहा है, ये मांगा पब्लिश होगा 24 सितंबर। इस मांगा का चैप्टर का नंबर है 236। जब ये मांगा पब्लिश होने को गया होगा, तब किसी ने 1-2 पेज की फोटो लेके, 1-2 पेज नहीं है, 2-4 पेज तो है, तो उसकी फोटो लेके ट्विटर पे डाल दी है। और ट्विटर पे जब ये देखने को मिली थी, सारे जगह आग जैसी फैल गई। जितनी जल्दी आग भी नहीं फैलता, उससे भी ज़्यादा जल्दी ये पूरी सोशल मीडिया में फैल गई। कल की अगर मैं बात करूँ, मैं एक वीडियो पे काम कर रहा था तो उस पे था, मेरे दोस्त ने बोला देखियो ये क्या है, और जब मैंने ये देखा, लिटरली आई मीन अ शॉक। और उसके बाद ना मेरा काम में मन करा, कुछ नहीं करा। फिर उसके बाद मैंने एक प्यारा सा शॉर्ट्स बनाया जो मैंने इंस्टाग्राम पर लाइव करा था, एज वेल एज मैंने यूट्यूब चैनल पर लाइव करा था, कि मतलब आपने देख लिया होगा। तो उसके बाद फिर हमें चीज़ें देखने को मिली। फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के समझा देता हूँ कि चीज़ें क्या हो रही है। बेसिकली उस रील में से आप ये कमेंट देखो, या फिर ये देखो, या फिर ये देखो, बेसिकली ये सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसके अंदर बताया गया है कि लोग कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे हमारे गोजो से, जिसकी वजह से लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर ऐसा हो गया। ऑल्दो यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी यही नहीं हुई थी, ऑल्दो चैप्टर 235 में हमें ऐसा देखने को मिलता था लास्ट में कि गोजो विन, बट व्हाट जस्ट हैपन हियर, जो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया था यहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ, पर कुछ गलत हुआ था यहाँ पे। तो ये जो चीज़ अभी निकल के आ रही है वो एक स्पॉइलर है, पर स्पॉइलर निकल के आ रही है डायरेक्ट मांगा की तरफ से, जहाँ पे इसमें हमें 1-2 पेज में अंदर ये भी देखने को मिला था, जैसे हमारी गोजो की बॉडी हाफ वे में कट होके जब गोजो का शरीर नीचे गिरता है तो उसके दिमाग में कुछ फ्लैश आते हैं पास्ट के, जहाँ पे उसकी मेमोरी होती है गेटो के साथ। तो आप बताओ, आंखों के सामने हमारी लास्ट मेमोरी क्या होगी हमारे लव वन की, और जो हमारा यहाँ पे देखने को मिला है। मैं मान रहा हूँ ये लीक है, बट ये कंफर्म है कि हमारा गोजो इसके बाद अलविदा हमें कह ही देगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे मांगा से निकल के आ रहा है। ऑल्दो मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, जैसे तैसे रिजर्वर्स कर्स एनर्जी हमारा गोजो यूज़ करके रिवाइव हो जाए, या कोई भी तिग्रमबाजी लगाओ, मुझे नहीं पता,
पर यहाँ पे गोजो को आप रिवाइव करो। पर अब यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल चेंज है, बिकॉज हमें जो लास्ट पेज पे भी देखने को मिला था उसके अंदर हाजिमे फाइट के अंदर एंट्री करती है। और अगर मैं मांगा कवर कर रहा हूँ हमारे चैनल में, एक साफ साफ डायलॉग हाजिमे का ये था, अगर गोजो हारता है तो नेक्स्ट फाइट मैं ही करूँगी। बाद में हमें देखने को मिलता है 236 चैप्टर के एंड में वो कूद जाती है फाइट के अंदर। तो इसका मतलब बहुत सारे हिंट मिल रहे हैं जिसके वजह से गोजो कंफर्म हो रहा है कि नहीं जीएगा। और बाकी आपको बता दूं मैं, गोजो ना रिवर्स कर्स टेक्निक तब यूज़ कर सकता है उसके बॉडी के अंदर कट पड़ रखे हो या उसका कोई हार्ट डैमेज हो। अगर उसका आधा शरीर ही बिल्कुल अलग अलग हो जाए तो उसको रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करना मुश्किल है। और वो तब सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ जब वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है एक अच्छी खासी फाइटिंग के दौरान, जहाँ पे उसने बहुत बार रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ करा है ऑलरेडी। इतना उसके पास स्ट्रेस था कि मतलब लिटरली उसका दिमाग ओवरलोड हो रहा था, जिसके उसके नाक मुंह से खून आ रहे थे, हमारे पिछले चैप्टर्स में हमें देखने को मिला है। उसके बाद इस लेवल पे आपको रीजनरेट करना, जहाँ पे आप पूरा अपना शरीर ही ऊपर से पेट से ऊपर से आप रीजनरेट कर रहे हो या उससे नीचे कर रहे हो, तो इट्स समथिंग लाइक इम्पॉसिबल फॉर गोजो राइट नाउ। अगर गोजो अपनी नॉर्मल स्टेट में रहता जहाँ पे उसने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, फाइटिंग वाइटिंग नहीं करी, तो इसके पास चांसेस था वो रीग्रो कर सकते थे अपने ऑर्गन रिवर्स कर्स टेक्निक के द्वारा। बट इस केस में नहीं, जहाँ पे फाइट ऑलरेडी 10-15 चैप्टर से चल रही है, उसके बाद इतना ज़्यादा उसकी बॉडी पे स्ट्रेस, अगर उसके बाद भी ये चीज़ कर लेता तो मैं यही चाहता हूँ ये चीज़ हो पाए। बट मैंने जितना रिसर्च करा उसके हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे सेंस नहीं बनाएगी, गोजो मारा जाएगा। सो आगे नेक्स्ट क्या होगा, सुकुना को कौन हराएगा? अभी सुकुना थोड़ा सा ज़्यादा ही वीक हो गया है, मेरे ख्याल से वो अपने आप ही रेस्ट में चले जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज झेल चुकी है गोजो के अटैक की, तो वो रेस्ट पोजीशन में चले जाएगा। यानी तो हाजिमे जैसे जाती है उसको हरा देगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। उसको हराना है, मतलब मान लो इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ अ केक, तो इतना ज़्यादा ईजी होने वाला है। बट उसके बाद क्या, सुकुना को आगे कौन टक्कर देगा? अभी तो वो रेस्ट पे चले जाएगा, फिर उसके बाद जब वो खुला छूट सांझ से घूमेगा तो गोजो तो होने वाला नहीं है, तो उसको कौन बचाएगा? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो यूजी का मेन जो हमारा करेक्टर है उसको ही इतना ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे जिसके बाद वो हमारा गोजो की बदला भी ले पाए और सुकुना को कंट्रोल में करके उसको अपनी बॉडी में ले ले या उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर दे। और मुझे ना इधर एक और करेक्टर पे गुस्सा आ रहा है, मैगोमी। जब सुकुना मैगोमी के बॉडी में गया तो मैगोमी सो रहा है, आराम से रेस्ट कर रहा है, मतलब थोड़ा सा ट्रेजिक उसकी लग रही है स्टोरी, बट वो रेस्ट कर रहा है। जब यूजी की बॉडी में सुकुना ने पोजेस कर लिया था तो बार बार यूजी अपनी बॉडी को लेने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे वीक पड़ रहा था, जिसकी वजह से बाद में जाके सुकुना ने बोला भग तेरी माँ की, फिर वो यूजी की बॉडी में गया। अगर सुकुना यूजी की बॉडी में रहता तो उसको इतना मनमानी नहीं करने देता, और कहाँ करने देता था, तभी उसके साथ डील करी थी एक मिनट के लिए मैं करूँगा ना, किसी को मारूंगा ना कुछ करूँगा, तो ऐसे कर पाया। पर मैगोमी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसको देखना चाहिए करना चाहिए, तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। गोजो सेंसे को इनडायरेक्टली उसी ने तो मारा है, इनडायरेक्टली। पता है ये वीडियो बनाने के टाइम ना मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ गोजो फैन। जब मैंने साइतामा वर्सेस गोजो की जब वीडियो बनाई थी तो मैंने भी उस टाइम गोजो को जिताने की जितनी ज़्यादा हो सकता है कोशिश करवाने की कोशिश करी थी, तो मेरे लिए गोजो सबसे प्रायोरिटी रहता था कि मतलब हाँ इसको जिता दो बाकी सब चंगा। बट अब जब बंदा ही नहीं रहा है तो उसकी याद तो आएगी। चलो जो होता है देखा जाएगा क्या होने वाला है, संडे को हम बात करते हैं, डेडिकेटेड वीडियो उस पर आ जाएगी, जब तक आप इसी से काम चलाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया सुपर ओवर के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल। कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान मत होना, गोजो के साथ मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ, अगर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो मैं 236 का चैप्टर का खुद ही निकाल दूंगा मैं मांगा, जिसमें सुकुना की माँ बहने कर दूंगा और गोजो जीतेगा। चलो बस बाय।